सुपर्णखा, सुपर्णखा नाम की रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। उसका हृदय जो था बड़ा खराब था और बड़ी देखने में भयानक दिखती थी सुपर्णखा। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल हो गई, यानी कि दोनों कुमार हमारे राघव जी हमारे लक्ष्मण जी देखने में तो इतने सुंदर लगते हैं ना कि उनको देखकर सुपर्णखा उन पर मोहित हो गई, उन पर आसक्त हो गई कि भैया इन कुमारों को तो मैं पाकर रहूंगी। तो भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निरखत नारी होई बिकल सक मन ही न रोकी जिमी रवि मणि द्रव रवि ही बिलोकी। कि ये कथा काक भुशुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। क्या कहते सुनाते हुए, हे गरुड़ जी सुपर्णखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य यानी कि जिसको धर्म का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है और राक्षसी है कामांध यानी कि काम वासना से अंधी हो गई है, ऐसी स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई हो पिता हो पुत्र हो विकल हो जाती है, काम से अंधी हो जाती है वासना से अंधी हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है। सूर्यकांत नाम का एक रत्न होता है एक मणि होता है जो सूर्य को देखकर पिघल जाता है द्रवित हो जाता है यानी कि ज्वाला से गर्मी से पिघल जाता है। तो इसी प्रकार सुपर्णखा जैसी स्त्री होती है ना वो काम से अंधी होकर पिघल जाती है, किसी को भी देखकर फिसल जाती है। रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई बोली बचन बहुत मुसुकाई तुम सम पुरुष नमो सम नारी यह संजोग विधि रचा बिचारी। अब उसने क्या करा, राक्षसी ने सुंदर रूप धर लिया माया से, अब वो माया से सुंदरी बन गई और सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर बहुत मुस्कुरा कर वचन बोली। क्या बोलती है, अरे ना तो तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष है और ना ही मेरे समान स्त्री, लगता है विधाता ने यह संजोग यह जोड़ा बहुत विचार कर रचा है कि इस जगत में मेरी जैसी कोई सुंदर नारी नहीं है और तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है। मैं सारी दुनिया में अपने लिए वर ढूंढ रही हूं और मुझे तुम पसंद आ गए हो। कि मम अनुरूप पुरुष जग माही देखे हूं खोजी लोक तिहु नाही ताते अब लगी रही हूं कुमारी मनु माना कछु तुम्ही निहारी। कि मेरे योग्य पुरुष जो मेरे लायक होना ऐसा कोई पुरुष मुझे इस दुनिया में नहीं दिखता है, मैंने तीनों लोकों में खोज कर देख लिया है ऐसा कोई पुरुष नहीं मिला मुझे जो मेरे योग्य हो, इसी से मैं अभी तक कुमारी हूं अविवाहित हूं। देखो वो राक्षसी सुंदरी का रूप धर के किस प्रकार की बातों में राम जी को बहला फुसला रही है कि मैं अभी तक कुंवारी हूं कि मुझे आज तक कोई सुंदर पुरुष नहीं मिला। और क्या कहती है कि अब तुमको देखकर कुछ मन माना है यानी कि पूरा मन नहीं माना है। क्या कहती है कि तुमको देखकर मेरा कुछ मन माना है, थोड़ा सा मेरा चित्त तुमको देखकर ठहर गया है, यानी कि राम जी से भी अच्छा मिलेगा तो आगे निकल जाएगी भैया। राम जी भी उसको पूरी नहीं लग रहा, किस प्रकार से बातें बना रही है राक्षसी सुंदरी रूप धर के बोल रही है कि तुम जरा से अच्छे मुझे लगे हो नहीं तो मेरे समान इस योग्य इस पुरुष में इस जगत में कोई पुरुष नहीं है, मैंने तीनों लोगों को खोज लिया है इसी से मैं अब तक अविवाहित हूं कुंवारी हूं, अब तुमको देखकर मेरा थोड़ा सा मन माना है कि मुझे आपसे विवाह कर लेना चाहिए। सीता जी की ओर देख कर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। अब यहां पे जो कुमार का अर्थ है कुमारा नहीं है मतलब शहजादा है,
नव युवक है, छबीला है। तो वो देखती है, अरे हाँ छोटा तो बड़ा सुंदर है। तो फिर वो लक्ष्मण जी के पास जाती हैं। अब लक्ष्मण जी क्या जानती हैं कि ये तो हमारे शत्रु रावण की बहन है। तो जब शादी करने के लिए लक्ष्मण जी के पास पहुंचती हैं अपना प्रस्ताव लेके शूर्पणखा, तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूं, मैं तो उनका नौकर हूं, मैं पराधीन हूं, मैं उनके अधीन हूं, तो तुम्हें क्या सुख मिलेगा, क्योंकि मैं तो उनका दास हूं तो तुम्हें दासी बन के रहना पड़ेगा। वो प्रभु हैं, समर्थ हैं, और वो कौशलपुर के राजा हैं। अब भैया ये बताओ तुम दासी बनना चाहोगी या रानी, क्योंकि वो जो कुछ करेंगे उनको सब फबता है, उनकी शादी होगी तो क्या फर्क पड़ता है, उन्हें सब चलता है। तो वो कहती है हाँ मुझे तो रानी बनना चाहिए। वो वापस श्री राम जी के पास जाती है कि राम जी और लक्ष्मण जी शूर्पणखा को इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ा रहे हैं। जब राम जी के पास शूर्पणखा जाती है तो राम जी कहते हैं भैया मैं तो विवाहित हूं, शादीशुदा हूं, वो मेरा भाई है, वो कुमार है, शहजादा है, उसके पास जाओ। जब लक्ष्मण जी पर जाती है तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई मैं तो सेवक हूं, दास हूं, मेरी क्या औकात है, वो प्रभु हैं, समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, उनके पास जाओ। और इस प्रकार वो वापस श्री राम जी के पास जाती है। अब वह लौट कर फिर श्री राम जी के पास आई, प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। अब लक्ष्मण जी उसे क्या कहते हैं चिढ़ाने के लिए, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़ कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, कि जो बेशरम आदमी होगा वही तुमको भैया वरण करेगा, वही तुमसे शादी करेगा, जो निर्लज्ज होगा, बेशरम होगा, वही तुमसे शादी करेगा। अब भैया यह बात सुनकर शूर्पणखा खिसिया गई, तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई, सीत ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन सयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर गुस्सा होकर श्री राम जी के पास गई और उसे अपना भयंकर रूप प्रकट कर दिया। अब शूर्पणखा अपने असली रूप में आ गई, हा 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 हा, और सीता जी को सारे फसाद की जड़ मानते हुए माता सीता की तरफ पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। सीता जी को भयभीत देखकर रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा कर दिया और लक्ष्मण जी ने इशारा समझ लिया और लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, पहले नाक काटी फिर कान काट दिए। कि नाक क्यों काटी, कि बड़ी सुंदर बन के आई थी, बड़ी सुंदरता दिखा रही थी। जब किसी का ब्याह होता है, लड़की देखने जाते हैं तो क्या बात करते हैं, हाँ लड़की के नैन नक्श बड़े सुंदर हैं। तो बात किसी करते हैं नैन नक्श की, यानी कि नाक की। नाक जो होती है वो सुंदरता का केंद्र होती है, तो उसकी सुंदरता का जो केंद्र था नाक को काट दिया। कान क्यों काटे, क्योंकि शूर्पणखा सुनती नहीं है, अपनी अपनी बोले जाती है, बात समझती नहीं है, तो उसे कान भी काट दिए और नाक कान पकड़ा के शूर्पणखा के हाथ में पकड़ा दिए कि भाई जा। अब लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, माने उसके मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो कि बड़ा भैया तू अपने आप को बोलती है रावण की बहन, रावण की बहन, जा अपने भाई को भेज, कहे कि भाई हमने ये हाल किया है तेरा,